रावण एक तपस्वी मायावी महायोद्धा था और भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार रावण ने बहुत कड़ी तपस्या की, जिसके बाद उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु मनुष्य वानरों अथवा किसी के हाथों ना हो। तभी ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। जैसे ही उसे ये वरदान प्राप्त हुआ, उसने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। घमंड में चूर होकर उसने शनि लोक पर भी चढ़ाई कर दी और शनि देव को भी बंदी बना लिया। बंदी बनाते ही उसने शनि देव को उल्टा लटका दिया। शनि देव रावण से परेशान हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव प्रकट हुए और शनि देव को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही वे हनुमान जी का अवतार लेंगे और उनका उद्धार करने आएंगे। धीमे धीमे समय बीतने लगा और समय के साथ रावण का घमंड और अत्याचार भी बढ़ने लगा। तब रावण के संहार के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। उसी समय पृथ्वी पर शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। कुछ समय के उपरांत जब श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास लिया, तब एक दिन रावण ने माता सीता का छल से अपहरण कर लिया और लंका की अशोक वाटिका में छुपाकर रख दिया। तब सीता माता की खोज करते हुए उन्हीं दिनों राम लक्ष्मण की भेंट रुद्र अवतार हनुमान जी से हुई और फिर माता सीता की खोज शुरू हुई। अब हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और अशोक वाटिका में छुपाकर रखी हुई माता सीता को खोज कर निकाला। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी को बड़ी भूख लगी और वे अशोक वाटिका में जाकर फल खाने लगे और पूरी वाटिका के पेड़ पौधों को तोड़ दिया। वहीं एक बानर को अपनी सोने की लंका में उत्पात मचाते देख रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन युद्ध में हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार डाला। युद्ध भयंकर हुआ और अंत में मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में जकड़कर रावण के समक्ष उपस्थित कर दिया और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, जिसके बाद गुस्साए हनुमान जी ने अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका को आग लगा दी। पूरी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी ने देखा कि लंका जलने पर भी काली नहीं हुई है। तभी अचानक से हनुमान जी की दृष्टि रावण के कारावास में उल्टे लटके हुए शनिदेव पर पड़ी। तब हनुमान जी छलांग लगाकर शनिदेव के पास पहुंचे और शनिदेव ने अपनी व्यथा हनुमान जी को सुनाई और बताया कि रावण ने उनकी शक्ति को भी अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। यह सब सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया और उनकी शक्तियां भी उनके पास वापस आ गई। फिर शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर लंका काली होकर जलकर राख हो गई और शनिदेव रावण के प्रकोप से मुक्त हो गए। तब शनिदेव हनुमान जी से बोले, हे महावीर, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा और आपके भक्तों को कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा।